तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप मल्टीपल क्लाइंट के लिए लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत लोग के दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता है कि उनके पास मल्टीपल क्लाइंट है, वो अपने क्लाइंट को मैनेज नहीं कर पा रहे, उनको अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू अपने क्लाइंट को मैनेज करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि बस सिंपली सिंगल अकाउंट्स के थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हैं, या फिर कोई भी एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने क्लाइंट को मैनेज करते हैं। क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल हमें ये ऑप्शन देता है कि अगर आपका एजेंसी है या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन है तो आप अपने मल्टीपल क्लाइंट को एक ही अकाउंट के थ्रू से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अकाउंट्स का लिमिट्स होता है किसी भी ईमेल आईडी के थ्रू क्रिएट करने का, वो 100 अकाउंट्स का होता है। तो इसलिए आप 100 के बाद उस अकाउंट के थ्रू आप कोई भी लिस्टिंग मैनेज या फिर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल ने एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग से एक डैशबोर्ड को क्रिएट किया है, जिसे आप भी यूज़ करके अपने क्लाइंट को मैनेज कर सकते हैं इजीली। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि गूगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डैशबोर्ड को क्रिएट करना, तो बहुत ही आसान है। वहाँ पर सिंपली बस आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तो पहला कि आपके पास आपके बिजनेस का एक वेबसाइट होना चाहिए, उसके साथ आपका एक बिजनेस का डोमेन जो ईमेल आईडी है वो होना चाहिए। तो अगर आप भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ये दो रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल करते हैं तो आप भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के एजेंसी डैशबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं और अपने मल्टीपल क्लाइंट को आप वहाँ पे उनके लिए लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब बात आती है कैसे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल के एजेंसी डैशबोर्ड पे जाके अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए आपको business.google.com/agency-signup पे क्लिक करना होगा। उसके बाद इस वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे आपका जो वेबसाइट होगा वो एंटर करने के लिए बोलेगा। आपको यहाँ पे अपने वेबसाइट का URL मेंशन कर देना। उसके बाद आपसे आपका डोमेन ईमेल आईडी पूछा जाएगा, वो भी एंटर करने के बाद आप गूगल बिजनेस एजेंसी के अकाउंट से कनेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे आप सिंपली जैसे लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं उसी तरीके से आप लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। तो बेसिकली एजेंसी डैशबोर्ड का लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप जाके वहाँ से इसे क्लिक करके भी ओपन करके इसे चेक कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे कैसे आप वहाँ पे अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।